एक और ओपन बीटा रिलीज हो चुकी है वन प्लस 5 और 5T डिवाइस के लिए। तो गाइस अगर मैं आप लोगों को अपने सिस्टम अपडेट में लेकर दिखा देता हूं, तो देख सकते हैं यहां पे मुझे एक अपडेट देखने को मिल गई अपने वन प्लस 5T डिवाइस के लिए, जिसकी OTS साइज है 220 MB की। और इसमें चेंज लॉक की बात कर लेते हैं, तो सिस्टम में और वन प्लस में चेंजेस देखने को मिली है। तो अगर आप लोग वन प्लस 5T के डिवाइस यूज करते हैं, तो आप लोगों को डिवाइस में ओपन बीटा 30 की अपडेट देखने को मिलेगी, OTS देखने को मिलेगी। और अगर आपके पास वन प्लस 5 की डिवाइस है, तो आपको ओपन बीटा 32 की अपडेट देखने को मिलेगी, OTS देखने को नहीं मिली होगी। तो मैं लिंक आप लोग को अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से उसे डाउनलोड करके इस गेयर आइकन पर क्लिक करके लोकल अपडेट कर सकते हैं। लोकल अपडेट करने से कोई भी डाटा लॉस नहीं होगी आपकी, और आप लोगों को ऑफिशियल अपडेट भी देखने को मिलेगी जैसे रेगुलरली OTS देखने को मिलती है। तो मैंने यहाँ पर फुली पैकेज को डाउनलोड कर लिया, मैं यहाँ रिबूट टू अपडेट करके आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या नए चीज हम लोग को इस अपडेट में देखने को मिली है। तो गाइस वन प्लस 5T मेरी सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है, सिस्टम हैज बीन अपडेटेड। मैं सेटिंग में लेकर आप लोगों को दिखा देता हूँ अबाउट फोन में, तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी ओपन बीटा 30। और एंड्रॉइड वर्सन में आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ में 2019 की लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाती है। और बिल्ड डेट की गाइस बात कर लेते हो 13/5/2019 की देखने को मिल जाती है। और अपडेट लॉक की बात कर लेते हैं गाइस, तो सबसे पहले अपडेट देखने को मिलती है सिस्टम में एंड्रॉइड की सिक्योरिटी पैच अपडेट हो चुकी है मई 2019 की, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी। और दूसरी चेंज की बात कर लेते हैं गाइस, वन प्लस स्विच मोर एक्यूरेट रिमेनिंग टाइम फॉर कंप्लीशन। प्लस 5 और 5T के बाद गाइस वन प्लस 6 और 6T की डिवाइस को भी ये अपडेट हम लोगों को देखने को मिल गई है आज। तो चेंज लॉक की गाइस बात कर लेते हैं, तो सेम चेंज लॉक आपको देखने को मिल जाती है सिस्टम में और वन प्लस स्विच में देखने को मिलती है गाइस। यहाँ पर अपडेट मिल गई है, मैंने अपडेट भी कर लिया। अगर आप लोगों को अपडेट नहीं मिली है, तो मैं आप लोगों को हमेशा की तरह लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इस लोकल अपडेट पर क्लिक करके अपने फोन को अपडेट कर सकते हैं। गाइस आप देख सकते हैं मैं अपने वन प्लस 6T और वन प्लस 5T दोनों को अपडेट कर चुका हूँ। 6T में आप लोगों को देखने को मिलेगी ओपन बीटा 10 और 5T में देखने को मिलेगी ओपन बीटा 30। और अगर दोनों की चेंज की गाइस बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों में सेम चेंज देखने को मिलती है। सिस्टम में हम लोग को मे के सिक्योरिटी पर देखने को मिल जाती है, और वन प्लस स्विच में हम लोग को अब हम लोग वन प्लस स्विच से किसी फाइल को ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को और भी एक्यूरेट टाइम यहाँ पर शो करेगी कितने देर में फाइल ट्रांसफर हो जाएगी। तो गाइज यही दो चेंज लोग आप लोगों को देखने को मिलती है वन प्लस 5T की डिवाइस में और वन प्लस 6T की डिवाइस में। तो गाइज अगर वीडियो आप लोगों को जरा से भी पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स की न्यूज सबसे पहले मिलती रहे।